टाटा ग्रुप के करोड़ों फैंस को, मेरे फेलो इंडियंस को और सभी बिजनेसमैन्स को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने टाटा ग्रुप पे एक सीरीज चालू कर रखी है जिसमें 6 वीडियो बना चुका हूँ, ये 7वीं वीडियो है। लास्ट वीडियो मैंने बताई थी टाटा स्टील पे, अब ये वीडियो है उसके सक्सेशन का। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि ये कंपनी बनी कैसे थी, अब इस वीडियो में अपन बात करेंगे ये कंपनी चली कैसे। आज 2022 में इस कंपनी को 115 साल पूरे हो गए। इस 115 साल के इतिहास में कितने अप्स आए, कितने डाउन्स आए, गवर्नमेंट ने क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए, कैसे टाटा ग्रुप उनसे जीता, कैसे इनकी टोटल कैपेसिटी 2 मिलियन से 34 मिलियन तक पहुंची, कैसे ये भारत ही नहीं विश्व के टॉप प्रोड्यूसिंग कंपनी में आ गया, कैसे एक देश में एक प्लांट से चालू हुई कंपनी आज 26 से ज्यादा देशों में प्लांट ऑपरेट कर रही है, कब टाटा स्टील की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई और कब हमारे हीरो, हमारा प्यार, हमारे लव रतन टाटा जी की एंट्री हुई और कैसे उन्होंने लास्ट में कंपनी को घुमा के रख दिया, ये पूरी कहानी जानेंगे आज की वीडियो में। टाटा स्टील की शुरुआत 1907 में हुई और हमने लास्ट वीडियो में 1947 तक की कहानी कवर की थी। 40 सालों का एक बार आपको रीकैप फटाफट दे देता हूँ। 1912 में पहली बार स्टील बनाया, 18 तक खूब मजे किए क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बहुत भयंकर डिमांड थी, खतरनाक तो सेल्स बढ़ी, खतरनाक प्रॉफिट बढ़ा, बहुत मजे किए। 18 से 24 थोड़ी सी टेंशन हो गई, क्यों? क्योंकि जब एकदम से वर्ल्ड वॉर बंद हुआ तो डिमांड एकदम से घट गई और जो स्टॉक इतना सा पड़ा था वो झेलना, स्टॉक डंपिंग, दुनिया भर की चीजें हुई, वो थोड़ा लॉस वाला पीरियड रहा। उसमें दोराब जी टाटा को अपनी पर्सनल सेट भी बेचनी पड़ी लेकिन कंपनी को इन्होंने संभाले रखा। 1924 से 1935 तक ग्रोथ दिखाई अपनी, धीरे धीरे प्लांट की कैपेसिटी 4 गुना कर ली। 35 से 40 फिर बल्ले बल्ले क्योंकि फिर वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया। 40 से 48 के बीच में 30 लाख टन से ज्यादा इन्होंने स्टील सप्लाई किया युद्ध में, पैसे बहुत कमाए, पर दिक्कत क्या हुई, वियर एंड टियर बहुत हो गया। 24 घंटे चले जा रही है, सालों से चले जा रही है, तो उसको अपग्रेड करने का टाइम ही नहीं मिला, तो उस समय तक काफी हालत खराब हो गई थी। धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी पर वो हो नहीं पा रहा था। अब 1948 आते आते भैया गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज आ गए, मतलब हमारी सरकार आ गई, जो कि अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन उस समय जो हमारी भारत की प्रथम सरकार थी उन्होंने सोशलिस्ट मॉडल, समाजवादी मॉडल अप्लाई किया। उस मॉडल में क्या है, उद्योग धंधे को बढ़ावा नहीं दिया जाता। वो कहते हैं या तो धंधा सरकार ही करेगी या सरकार से पूछ के करना पड़ेगा। उस समय लाइसेंस राज था, हर चीज का लाइसेंस, कंपनी खोलनी है तो लाइसेंस लगेगा, कंपनी का मॉडर्नाइजेशन करना है तो लाइसेंस लगेगा, कैपेसिटी बढ़ानी है तो लाइसेंस लगेगा, तो भयंकर इंस्पेक्टर राज वहां पे चला करता था। क्या बेचोगे, कितना बेचोगे, किस रेट पे बेचोगे, सब गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था। एक एक अप्रूवल, छोटी छोटी अप्रूवल में सालों लग जाया करते थे। आप सोचो जितनी दिक्कत टाटा स्टील को अंग्रेजों के राज में एक्सपेंशन में नहीं आई, उतनी भारतीय सरकार के राज में आ रही थी। क्यों? उस समय ऐसी कमेटी थी कि आपको अगर स्टील के प्राइस भी बढ़ाने हैं तो साल में एक बार जाके सरकारी ऑफिसर के सामने बोलना पड़ता कि सर देखो रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, लेबर महंगी हो रही है, थोड़ा रेट बढ़ा दे क्या। बोले कितने रुपये बढ़ाओगे, 10 रुपये बढ़ा दे क्या, नहीं 5 रुपये ज़्यादा नहीं बढ़ा पाओगे, जितनी डिमांड करते आधा ही अप्रूव करते, ऐसा चल रहा था मामला। एक्सपेंशन करने के लिए भैया कैपिटल चाहिए, गवर्नमेंट कहती है फॉरेक्स देंगे ही नहीं, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए है ही नहीं, देंगे ही नहीं, वो बेचारे एक्सपेंड ही नहीं कर पा रहे। टाटा एक्सपेंशन करना चाह रही है, उसको एक्सपेंशन की अप्रूवल नहीं मिल रही है क्योंकि गवर्नमेंट उसके पीछे क्या लॉजिक दे रही है कि भाई स्टील तुम प्राइवेट वाले बनाओगे क्या, सरकारी प्लांट भी आएंगे, तो सरकारी स्टील के प्लांट को बढ़ावा देने के लिए इनको अप्रूवल ही नहीं दे रहे। तो जो एक समय टाटा ग्रुप का 75% मार्केट शेयर था वो कम होकर 25% पे आ गया। दो बार टाटा स्टील को नेस्टलाइज करने के प्रयास किए। टाटा ग्रुप की हालत आप देखना 47 से 91 के बीच में। टाटा ग्रुप का एक बैंक था इंडस्ट्रियल बैंक, उसको सरकार ने ले लिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। इनकी इंश्योरेंस कंपनी थी, उसको ले ली, खुद की इंश्योरेंस कंपनी बना ली। टाटा ग्रुप की एयरलाइन थी, उसको ले लिया, खुद का बना दिया। और टाटा स्टील लेने का प्रयास और चल रहा था, वो तो बड़ी मुश्किल से जाके ये प्रयास उन्होंने विफल किया। इस मोमेंट पे आके मैं विजनरी दोराब जी टाटा को बताना चाहूंगा। 1907 में इन्होंने जब प्लांट सेटअप किया था तब ये फर्नेस लेके आए यूएस से, स्टील की शॉप लगाई जर्मन से, इन्होंने कुक यूज किया वेल्च के। 1911 में जो प्लांट लगाया था 1987 80 साल तक इनकी सेवा करता रहा। सोचो आप, कोई जुगाड़ नहीं था कि 20-25 साल बाद बोल जाता ये कंपनी खत्म हो जाती, कि गवर्नमेंट नई की परमिशन नहीं दे रही, पुरानी चलती नहीं, 80 साल तक प्लांट झेल गया भाई साहब। फिर फाइनली जेआईडी टाटा ने बहुत सारे प्रयास, बहुत सारे लेटर, बहुत सारा प्रेशर बना के फिर एक्सपेंड
एक्सटेंशन की अप्रूवल ली, वो भी चार फेज में अप्रूव किया कि चलो मॉडर्नाइजेशन करो पर धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में चार फेज में करना। 1907 से लेके 1987 तक 80 साल लगे टाटा स्टील को अपना प्रोडक्शन 100,000 टन से 2,000,000 टन लाने में, जिसमें 1,000,000 से 2,000,000 टन तो 1958 में वर्ल्ड बैंक से लोन मिला था उस कारण हो पाया। उस समय वर्ल्ड बैंक से मिलने वाला एशिया का सबसे बड़ा लोन था जो इनको मिला था और उस कारण उन्होंने कैपेसिटी डबल की थी। सरकार का उस समय भी कोई रोल नहीं था। दूसरा, टाटा स्टील पे एक प्रेशर और था कि जब इन्होंने प्लांट डाला, ये देश की एकलौती कंपनी थी, तो इनको जो एंसिलरी फैसिलिटीज है वो भी खुद ही डालनी पड़ी। मतलब कि भैया स्टील बनाने के लिए एक टाइप का स्टील नहीं बना रहे, जितने टाइप का स्टील बनाना है हमको ही बनाना है। इसके लिए भैया अगर कोई कास्टिंग बनानी है तो कास्टिंग का प्लांट भी हमको ही डालना है, कोई मशीन चाहिए उसका प्लांट भी हमको ही डालना है, पेंट चाहिए वो भी हमको ही डालना पड़ेगा, फैब्रिकेशन है वो भी हमको ही करना पड़ेगा। तो आज की डेट में नॉर्मली कोई इंडस्ट्री लगती है तो क्या होता है कि मुख्य काम हम कर लेंगे, बाकी आउटसोर्स कर देंगे। ये कुछ आउटसोर्स नहीं कर सकते, सारा खुद को ही बनाना है। टाटा स्टील का रुतबा क्या था आप ये मानो कि देश की 72% स्टील की रिक्वायरमेंट टाटा स्टील ने पूरी की है। चाहे हावड़ा ब्रिज बनाओ टाटा स्टील ने बनाया, भाखड़ा नांगल उन्होंने बनाया, कांडला पोर्ट उन्होंने बनाया, चंडीगढ़ की जो प्लांट सिटी में जो जो लगा है वो सब टाटा स्टील का लगा है। अब ये तो बताई मैंने आपको सारी अच्छी अच्छी बातें, लेकिन आप नोटिस करो क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो नहीं पा रहा था, अपग्रेड हो नहीं पा रहा था, सारा प्रेशर इन्हीं के ऊपर था, तो उस चक्कर में एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि इनके द्वारा बनाया गया स्टील दुनिया का सबसे महंगा स्टील होने लग गया। क्योंकि भाई साहब इनकी टेक्निक पुरानी और हर लोग अपने आप को अपडेट कर चुके, तो इनको भी अपने आप को अपडेट करना जरूरी था। तो 1988-89 में CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने एक डेलीगेशन जापान भेजा, वहां पे जमशेद ईरानी जी गए, 1.5 महीना वहां रुके, वहां के प्लांट देखे कि वहां के स्टील के प्लांट कैसे काम करते हैं। वहां पे एक डेलीगेशन है JUSC, जापानीज यूनियन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, उनसे मिलके इन्होंने नोट्स बनाए कि देश में क्या क्या होना चाहिए। और उनके नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि क्वालिटी पे जो ध्यान देना है वो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है। दूसरी बात, ये क्वालिटी पे ध्यान, नॉर्मली क्वालिटी पे ध्यान कौन देगा, सुपरवाइजर, उसको कहते भाई तू ध्यान रखना रे, और कोई नया चेंज करना है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को। जापान में क्वालिटी का जो ध्यान है टॉप के MDs रखते हैं। तो इन्होंने कहा इसको ना जूनियर लेवल पे नहीं, सीनियर लेवल से ड्राइव करना पड़ेगा और किसी सीनियर की नजर में ये चीजें करनी पड़ेगी। ओनर चला गया, सब कुछ समझ में आ गया, वो आके अपने एम्प्लॉय को समझा रहा है ऐसे करो ऐसे करो, एम्प्लॉय कहते हैं क्या फालतू की बातें कर रहा है। टाटा यहां पे डिफरेंट है, उन्होंने अपने 120 एम्प्लॉय को ब्रिटेन भेजा कि तुम जाओ देख के आओ कैसी कैसी मशीनें होती है और वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है। तो जब एम्प्लॉय गए और उन्होंने एक्सपोजर लिया कि भाई हम क्या कचरा कर रहे हैं और मार्केट में क्या क्या चीज़ें अपग्रेड हो गई, तब उनका दिमाग खुला। तो वापस आके सारे एम्प्लॉय एक सुर में टाटा के पीछे लग गए कि ठीक है भैया जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, हमको समझ में आ गया हम कितने पिछड़े हुए। अब ये सब कहानी चल रही थी, कहानी चलते चलते 1991 आ गया, और 1991 मेरा फेवरेट ईयर है क्योंकि उसमें दो चीज़ें हुई थी, एक तो भारत लिबरलाइज हुआ था और 1991 में ही GRD टाटा ने 53 साल की चेयरमैनशिप के बाद बागडोर रतन टाटा के हाथ में सौंपी थी। तो 1991 का दौर था, मार्केट खुल गया, गवर्नमेंट ने कहा कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, कोई करना है जैसे करो, और एकदम प्राइवेट सेक्टर को खुला छोड़ दिया। तो उसी समय रुइयाज, जिंदल, मित्तल ये सब स्टील मेकिंग में कूदे, प्लस गवर्नमेंट के भी प्लांट अपने काफी काम कर रहे थे वो भी धीरे धीरे अपग्रेड होने लगे। फिर बाहर की विदेशी कंपनियां भी आने को तैयार हो गई, साउथ कोरिया की निप्पन स्टील कहती है हम भी इंडिया में प्लांट डालेंगे। तो भैया उस दौर में अगर तुमने टाटा स्टील में बदलाव नहीं किया तो तुम्हारा खत्म होना तय है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो और अब सब मॉडर्न आ गए हैं और मार्केट खुल गया है। 1991 जब टाटा सन्स के चेयरमैन बने, उन्होंने कहा भी टाटा स्टील की मीटिंग पहली बार अटेंड की, उस समय टाटा स्टील में लगभग अंदाजा था कि 180 करोड़ का लॉस इस साल होने वाला है, और टाटा ग्रुप के 80-85 साल के इतिहास में ये पहली बार था कि इतना बड़ा लॉस होगा। तो रतन टाटा ने कहा कि मैं कमान संभालता हूँ, पूरी टीम को इकट्ठा करके कहा कि यार मुझे है ना तुम्हारा महंगा स्टील नहीं चाहिए, मॉडर्नाइजेशन में जो करना है करो, स्टील बनाने की जो कॉस्ट आ रही है तुम्हारी टोटल कॉस्ट में से $500 कैसे ना कैसे काटो, यानी टोटल कॉस्ट का 7.5% डाउन लाओ तब जाके पार पड़ेगी नहीं तो नहीं पड़ेगी। और ये 9 महीने का टारगेट देके रतन टाटा जी चले गए। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे देखो टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे, उन्हें टाटा स्टील के अलावा टाटा मोटर न जाने कितनी कंपनियां संभालनी थी, उसके बावजूद वो टाटा स्टील को उन्होंने दिल के पास रखा और समय समय पे जमशेदपुर आते रहते थे, प्लान लगाते रहते थे, मीटिंग करते रहते थे, और जब तक ये $500 का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ रतन टाटा अपनी टीम को इंस्पायर करते रहे, उनको मोटिवेट करते रहे, उनको गाइड करते रहे। और उस साल जब 180 करोड़ का लॉस होना था, वो लॉस तो छोड़ो प्रॉफिट में वो साल बंद किया, टाटा जी आके कंपनी में एक मंत्र देके चले गए TQM,
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। भैया हमको सिर्फ क्वालिटी पे काम करना है, सारी चीजें भूल जाओ, अपन को वर्ल्ड में नंबर वन आना है क्वालिटी में। ये मंत्र दे के चले गए और जमशेद ईरानी जी को पीछे छोड़ दिया कि भैया चाहिए मतलब चाहिए। उसके लिए इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। क्या क्या इनिशिएटिव थे एक एक करके ध्यान से सुनना। इनिशिएटिव नंबर वन, ISO 9000 एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें क्वालिटी इंश्योर की जाती है। वो ISO 9000 इन्होंने अपने 86 डिपार्टमेंट सब में एक एक करके अप्लाई करवाया। सन 2000 में इन्होंने ISO 14000 का एक स्टैंडर्ड होता है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाता है कंपनी को, वो पूरी कंपनी में अप्लाई करवाया। इन्होंने अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, उस समय टाटा वर्कर्स यूनियन के हेड थे SK बेंजामिन, उनको और उनकी 100 जनों की टीम को जापान भेजा कि जाओ वहाँ देख के आओ कि प्रोडक्टिविटी कैसे होती है, एफिशिएंसी कैसे होती है, क्वालिटी कैसी होती है। और पूरी टीम को जापान भेजा और वापस आके पूरी टीम ने उनका कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। फिर इन्होंने 2 अवार्ड इंट्रोड्यूस किए कि भैया एक काम करो, एक तो JN टाटा अवार्ड दिया जाएगा, जो भी डिपार्टमेंट सबसे बढ़िया क्वालिटी का काम करेगा उसको JN टाटा अवार्ड दिया जाएगा, और जिस भी डिपार्टमेंट ने पिछले साल की तुलना में सबसे बढ़िया इंप्रूवमेंट किया होगा उसको S विश्वनाथन अवार्ड दिया जाएगा। और ये अवार्ड दिया जाता है 14 फरवरी को, और उस दिन ये बनाते क्वालिटी डे। तो जब आम जनता वैलेंटाइन डे बनाती है, टाटा स्टील क्वालिटी डे बनाती है, और उस दिन ये 2 अवार्ड डिपार्टमेंट को बांटे जाते हैं। इसके बाद टाटा ने कहा एक लेवल और ऊपर चलते हैं। तो इन्होंने कहा टाटा, ये तो टाटा स्टील के इंटरनल अवार्ड थे, इन्होंने एक अवार्ड लॉन्च किया JRD QV अवार्ड क्वालिटी का अवार्ड। और इसमें कंपटीशन किसके बीच में, टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के बीच में कि टाटा स्टील, टाटा मोटर, TCS सब आ जाओ, देखिए कौन सबसे ज्यादा क्वालिटी में आता है। टाटा स्टील बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, शायद हम ही जीतेंगे। 1996 में इन्होंने पहली बार अप्लाई किया तो टोटल 1000 नंबर में से इनके 201 नंबर आए, फुस हो गया मामला। और अब उस समय ये तो यार ईरानी जी कह सकते हैं देखो हमने ISO 9000 कर रखा है, 14000 कर रखा है, हम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये तो अवार्ड ही गलत है, ये तो सिलेक्शन कमेटी गलत है, ये तो बायस है। हार नहीं मानी इन्होंने, कहा कोई बात नहीं, तुमने क्या स्टैंडर्ड कर रखा है उसको भी बीट करके दिखाएंगे। तो ईरानी जी ने कहा देखो एक बात बताओ, ये असेसमेंट हुआ कैसे, हमको 201 नंबर ही क्यों दिए, हमारे 800 नंबर कटे तो कहाँ कटे। उसके लिए जो TBM असेसमेंट होता है इस पे पूरी 2 दिन की ट्रेनिंग खुद ईरानी जी अटेंड करके आए कि किस बेसिस पे 1000 नंबर दिए जाते हैं, हमको दिए क्यों और हमको काटे क्यों। और इनके पीछे पीछे सारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी किया, फिर बाकी सभी मैनेजर ने भी किया, तो उनको समझ में आया कि अच्छा ऐसे करते हैं। फिर इन्होंने सारी चीज़ों को बेंचमार्क किया। बेंचमार्क एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम कहते हैं कि यार ये वाला डिपार्टमेंट या ये वाली चीज़ इससे सीख लेते हैं। तो इन्होंने अपने कंप्लेंट के मैनेजमेंट को, मोदी जीरोक्स एक कंपनी थी उससे बेंचमार्क किया कि कंप्लेंट मैनेजमेंट हो तो मोदी जीरोक्स जैसा, क्रेडिट का मैनेजमेंट हो तो सिटी बैंक जैसा, ऑपरेशन एक्सीलेंस हो तो GE जैसी, सेफ्टी हो तो DuPont जैसी, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो HUL जैसा। तो हर बेस्ट कंपनी की बेस्ट प्रोसेस को कॉपी करके टाटा स्टील में अप्लाई किया। और जब 1997 में अप्लाई किया तो पिछली बार 201 नंबर आए थे, अब की बार आए 443, जो कि टाटा ग्रुप कंपनीज में सबसे हाईएस्ट थे। इन्होंने टाटा मोटर को पीछे छोड़ दिया जिसका बहुत बड़ा नाम था, तो ये बहुत बड़ा हल्ला मच गया, क्या टाटा स्टील नंबर वन टाटा मोटर के पीछे छोड़ दिया भाई साहब। लेकिन अवार्ड इनको फिर भी नहीं मिला, JRD QV अवार्ड। अगले साल इनके 510 नंबर, उसके बाद 582 नंबर, पर इनको अवार्ड नहीं मिल रहा। अब आप बोले राहुल जी इनको अवार्ड क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इस अवार्ड की कंडीशन थी कि मेसी को मिलेगा जिसके मिनिमम 600 नंबर होंगे, और 600 नंबर किसी के आ ही नहीं रहे। 6 साल हो गए अवार्ड का अनाउंस किए हुए, किसी के 600 नंबर नहीं आए। तो बाकी सब टाटा कंपनी इसके MD बोलते हैं रतन टाटा को कि भाई साहब मैं क्या कह रहा था, 600 तो हो नहीं रहे, तो जिसके हाईएस्ट है उसी को दे दो। यहाँ पे रतन टाटा दिल जीत लेते हैं, बोले तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम छोड़ो, चाहे किसी को अवार्ड ना मिले, अवार्ड तो तभी मिलेगा जब 600 पार होंगे। तो 6 साल के बाद टाटा स्टील पहली कंपनी बनी जिसने ये अवार्ड जीता 616 नंबर लाके, और ये अवार्ड रतन टाटा ने अपने हाथ से दिया, और सभी टाटा ग्रुप की कंपनी के MD ने खड़े होकर तालियां बजाई इनके लिए। 1999 में इन्होंने SAP का इम्प्लीमेंटेशन किया, जो कि एक ERP सॉफ्टवेयर होता है जिससे चीज़ें बढ़िया होती है। तो बड़े बड़े एक्सपर्ट ने मना किया, अरे SAP का इम्प्लीमेंट करोगे तुम्हारे डिस्पैच डिस्टर्ब हो जाएंगे, 1 महीना तुम्हारे डिस्पैच डिस्टर्ब रहेंगे। इन्होंने कहा चाहे 6 महीना हो जाए SAP तो इम्प्लीमेंट होगा। तो इन्होंने SAP इम्प्लीमेंट किया, अपनी इंडस्ट्री में पहली कंपनी थी जिसने ये इम्प्लीमेंट किया और सबसे फास्ट इम्प्लीमेंट किया। और आपको लग रहा है कि क्वालिटी पे ध्यान देते देते इन्होंने चीज़ की, सर इस पे ध्यान देते देते एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन भी इनका टॉप नॉच रहा, तो इनको हाईएस्ट एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन अवार्ड भी मिला।
फिर इनकी प्रोडक्टिविटी तिगुनी हो गई। एक लेबर से 100 का काम नहीं होता था, वो 300 करने लग गया। इनकी टोटल कॉस्ट 40% से डाउन आ गई। ये तो टाटा ग्रुप के इंटरनल अवार्ड थे। इसके अलावा CII ने इनको CII एक्सिम अवार्ड 2000 का दिया फॉर बिजनेस एक्सीलेंस। फिर उसके बाद PM की ट्रॉफी आती है, स्टील प्लांट को मिलती है, बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की ट्रॉफी प्रधानमंत्री की तरफ से मिलती है। 2000 में वो अवार्ड भी इन्होंने जीता। एशिया का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट टाटा स्टील बना। 2001 में वर्ल्ड स्टील डायनेमिक ने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ध्यान से सुनना, इनको नंबर 1 वर्ल्ड क्लास स्टील मेकर का अवार्ड दिया। इसमें बेस्ट क्या बताऊं, इनको नंबर 1 मिला और जिससे निप्पॉन स्टील से सीख के आए थे वो नंबर 10 पे था। इतने सारे अवार्ड जीतने के बाद जो सबसे जबरदस्त अवार्ड है, जिसको अपन कह सकते हैं कि क्वालिटी की दुनिया का नोबल प्राइज, उसको कहते हैं डेमिंग अवार्ड। जो क्वालिटी में जिसने अवार्ड जीत लिया मतलब वो नेक्स्ट लेवल हो गया। इस अवार्ड को जीतने की तैयारी इन्होंने टाटा स्टील ने की और फिर जापान से बकायदा डेलीगेशन आया। वो डेलीगेशन ने आके, जो कंपनी ने इतने अवार्ड जीते हैं उसको जापानी डेलीगेशन आके कहता है अभी बहुत कमजोरी है, 3 साल और लगेंगे। 3 साल और लगाए इसको बेटर करने में और फाइनली 2008 में जाके इन्होंने डेमिंग अवार्ड जीता, जो कि इससे ऊपर क्वालिटी में कोई अवार्ड होता ही नहीं। और ये टोटल जितने भी अवार्ड हुए इनकी वजह से 2006 से 2016 के बीच में टाटा स्टील को टोटल 16,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट की सेविंग हुई है। टाटा स्टील को 5 बार अवार्ड मिला है बेस्ट प्लेस टू वर्क। यहाँ जो भी एम्प्लॉय काम करता है भक्त है, क्योंकि जैसे सोचो जो कंपनी सीखने के लिए एम्प्लॉय को जापान भेज दे, ब्रिटेन भेज दे, वर्कर एसोसिएशन को। इनफैक्ट ये जो डेमिंग अवार्ड मिला था, इस अवार्ड को लेने भी MD के साथ वर्कर यूनियन के अध्यक्ष गए थे। तो एम्प्लॉय का तो कमिटमेंट है ही, और ना सिर्फ टाटा स्टील, चाहे टाइटन हो, चाहे TCS हो, चाहे टाटा मोटर हो, एम्प्लॉय का मैनेजमेंट हमेशा टॉप नॉच होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि राहुल जी टाटा ग्रुप के 9 लाख से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, ये इतने एम्प्लॉई हायर कहां से करती है, ट्रेन कैसे करती है, इनको खुश कैसे रखती है, टाटा स्टील का एक एक एम्प्लॉई या टाटा ग्रुप का कोई भी एम्प्लॉई टाटा के लिए मरने पिटने को क्यों तैयार है, अगर ये चीज जानना चाहते हो तो ये आपको मिलेगी अगले वीडियो में। तो ये वीडियो तो यहीं पे खत्म होता है। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछो, सीरीज अच्छी लग रही हो तो अपनी अप्रिसिएशन कमेंट बॉक्स में बताओ, और एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बारे में जानना है चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली वीडियो में सारे नॉलेज आपको मिलने वाली है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।